नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। देश में इन दिनों निजीकरण की बयार चल रही है और इसी के मद्देनजर खजुराहो एयरपोर्ट के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा एक दिवसीय हड़ताल कर अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका आरोप है कि निजीकरण से पुराने कर्मचारियों की नौकरी जा रही है। प्रदर्शनकारियों में सिपाही सिंह, पुरुषोत्तम दास, अशोक यादव, आर के यादव, संजय सिंह सहित अन्य कर्मचारी भी शामिल रहे। आज इसलिए हड़ताल किया गया है कि जो हाइड है प्रॉफिट वाले सारे भारत सरकार बेच रही है उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन क्रमिक भूख हड़तालों बैठे हैं। 25 तारीख से आज 27 तारीख को समापन किया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन के विरोध में किया जा रहा है जो कि हमारे कर्मचारी को इससे परेशानियां होगी हर चीज़ और सुरक्षित नहीं रहेंगे। जो भी एयरपोर्ट प्राइवेट में चला जाएगा वहाँ से इनको हटाया जाएगा, जगह जगह इनको एडजस्ट किया जाएगा उससे काफ़ी। तो जो प्रॉफिट मेकिंग प्रॉफिट जो भी एयरपोर्ट प्रॉफिट हो रहा है उसी उसको को नहीं बेचा जाना चाहिए। उसको कम नहीं बेच के जैसे कुछ एयरपोर्ट है जो प्रॉफिट में नहीं है उसको डेवलप करने के लिए प्राइवेट उद्योगपतियों को दे वो अपना डेवलप करें और वहाँ पर विकास करें, उससे एयरपोर्ट को भी फायदा होगा, क्षेत्र की जनता को भी फायदा होगा, क्षेत्र के लोग को रोजगार भी मिलेगा। इससे जहाँ पर डेवलपमेंट है एयरपोर्ट उसी को बेच रहे हैं तो वहाँ से तो पहले से सब लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को विशेष फायदा नहीं है। जो कि छोटे एयरपोर्ट को वो बेचे हम लोग को कोई अतवा नहीं है, उसको डेवलप कराएँ यही हमारी मांगे हैं। अभी तक कितने ठेके दे दिए एयरपोर्ट को? अभी तक तो कम से कम 5 एयरपोर्ट पहले से दिए हुए हैं, 6 एयरपोर्ट का फिर ठीका हो गया है। जो अडानी ग्रुप को 6 एयरपोर्ट मिला है लखनऊ है, जयपुर है, अहमदाबाद है, त्रिवेंद्रम है, गुवाहाटी है, मंगलुरु एयरपोर्ट है। ये 6 एयरपोर्ट अभी अडानी को दे दिए हैं। अभी हो सके 2020 में अप्रैल तक इनको हैंड ओवर कर देंगे। और 6 एयरपोर्ट का और भी नाम चल रहा है जिसमें कि है बनारस है, उदयपुर है, देहरादून है, अमृतसर है, तिरछी है, ये सब एयरपोर्ट और प्राइवेट करने के मूड में है 2021-22 तक ये भी करने के मूड। यदि प्राइवेट ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हमारे जो है कि जीएस द्वारा अपने भारत सरकार और अपने चेयरमैन को एक पत्र दिया है कि 15-10-2019 को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। खबर दिनभर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।